सत साहेब वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहेब ये जो सतनाम आपको मिला है, सतनाम, और इस सतनाम को मिलने के उपरांत आपको सारनाम नहीं मिला और आपकी मृत्यु होगी। आपको न जाने कितने जन्म मनुष्य के मिल जाएंगे, मोक्ष नहीं है, मनुष्य के जन्म मिलेंगे, अच्छे से अच्छे जन्म मिलेंगे, और फिर आपके ये दोनों मंत्रों की कमाई जब समाप्त हो जाएगी, आप फिर सिंपल मैन बनोगे, साधारण व्यक्ति के घर में जन्म होगा, और उस समय ये दयालु परमात्मा फिर आपको अवश्य संभालेगा, आपको 84 लाख योनियों में नहीं जाने देगा, शीघ्र सी नहीं जाने देगा, यानी फिर हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, वो बात है अलग। तो पुण्यात्मा यह भी कच्चा काम रह जाएगा यदि सतनाम ही प्राप्त हो गया और आपकी मृत्यु होगी, सारनाम योग्य नहीं बने, नखरे करते रहे। अब क्या देखता है ये दास, नाम ले गया था जी पिछले महीने, नाम खंडित हो गया, पहला नाम लिया था, दोबारा लूंगा। अच्छा भाई, क्योंकि पहले मंत्र वाला तो गलती कर सकता है, क्योंकि वो तो एकदम नया बच्चा होता है, पहली कक्षा का बालक होता है, हो जाता है खंड, लेकिन नहीं होना चाहिए। कोशिश करे कि जो काम करने लग गए उसको पूरा ही किया जाना चाहिए। तो फिर दोबारा उपदेश ले लेता है, फिर 4 महीने के बाद उसको सतनाम भी प्राप्त हो जाता है। सतनाम लेने के बाद फिर 6 महीने के बाद फिर कह जी नाम खंडित हो गया मेरा, तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। अच्छा भाई, 1-2 साल के बाद फिर कहेगा जी मुझे शंका है मेरा शायद नाम खंडित हो गया, और करे बिना रहता नहीं, आप गलती अवश्य कर देता है। तो पुण्यात्मा कोई बात नहीं, अब परमात्मा ने आपको पार करना है, ये अब बैन उठ गया है, कलयुग में ये समय आ गया है कि सभी प्राणी जो इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करके इस मार्ग पर लग जाएंगे सभी पार हो जाएंगे, लेकिन पार होंगे वो जो बार बार ये अपने नाम को खंडित ना होने देंगे। अब क्या देख रहा है ये दास, जिन 10-10 साल नाम लिया ना हो गया, तीनों मंत्र प्राप्त हो गए, वह भी नो कह मेरा तो नाम खंडित हो गया जी, ऐसी गलती बन गई। तो भाई ये पार होने के लक्षण नहीं है आपके, बहुत सावधान होना पड़ेगा। क्यों? हाँ, इतना है कि परमात्मा दयालु है, इन्होंने बहुत ज्यादा कंसेशन दे दी है कि कोई बात नहीं, इस बुंडे कलयुग में, इस घोर कलयुग में ये गलती हो ही जाती है, लेकिन आपका जान का समय आ गया, और उससे 1 महीने पहले फिर कह दोगे मेरा तो नाम टूट गया, ये कोई बात हुई नहीं, सावधानी बरतो। अगर आदमी 2-3-4 वर्ष के बाद भी दृढ़ नहीं होता है, फिर मोक्ष नहीं हो पाएगा आपका, बहुत सावधानी करनी पड़ेगी।